बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ देख सकते हैं, एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज पे जाके भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं और तक ऐप पे भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे खुश कैसे रहें। लाइफ में आप बहुत मेहनत करते हैं, हर इंसान मेहनत करता है, बहुत एफर्ट लगाता है, किसके लिए? खुश रहने के लिए। हम जो खुशी है, खुशी के लिए हम लाइफ में बहुत से एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट खुशी ही पाना लाइफ में सबसे मुश्किल भी है और आसान भी है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ में जो खुशी है उसको पा सकते हैं, अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। कुछ अलग अलग तरीके बताऊंगी जिनको अपना के आपकी लाइफ में जो खुशी है वो परमानेंट रूप पे यानी कि स्थायी रूप पे रह जाएगी, आ जाएगी। तो पहला तरीका, जब खुश रहने की बात कर रहे हैं तो हमारा जो हार्ट चक्रा है, अनाहत चक्रा, हृदय चक्रा जो चेस्ट के सेंटर पे होता है, इसको अगर आप इस पे काम करें, यानी कि जब आप खुश नहीं रहते, जब आप लोगों खुश क्यों नहीं रहते, हम जब हम लोगों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, जब हम देखते हैं उसके पास बहुत कुछ है मेरे पास नहीं है, उसको ये मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा, जब हम लोगों की लाइफ के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं तब हम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो अगर आप अपने हार्ट चक्रा यानी कि अनाहत चक्रा पे काम करेंगे तो खुशी वो स्थायी रूप पे रह जाएगी आपकी लाइफ में। आप अपनी ज़िंदगी से भी खुश होंगे और लोगों के लिए भी खुश होंगे, यानी कि वो खुशी एक परमानेंट रूप से आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो वो कैसे करना है? हार्ट चक्रा का, अनाहत चक्रा का रंग होता है हरा। जितना हरा रंग को आप देखेंगे, जितने अपने घर में हरे रंग की चीज़ें रखेंगे, हरे रंग के कपड़े पहनेंगे, आप हरे रंग के जो प्लांट्स हैं, सबसे इजी और टिकाऊ तरीका यही है कि घर में आप हरे रंग के अपने पास, अपने बेड के पास, जहाँ आप बैठते हैं वहाँ ग्रीनरी रखिए, ग्रीन प्लांट्स को रखिए, ग्रीन फोटो रखिए, ग्रीन सीनरी को रखिए। तो जितना ग्रीन एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और कम से कम 10 मिनट अपने हार्ट चक्रा पे इस तरह से हाथ रख के बैठिए और खुद को वो एफर्मेशन दीजिए कि मैं खुश हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं ईश्वर के बनाए हर जीव से प्यार करती हूँ। अब जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, आईसीयू में होते हैं, जिनके पास कोई नहीं होता, वो बीमारी से तो परेशान होते ही हैं बट इससे और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके आसपास कोई होता नहीं है। वो लोग भी अगर 5-10 मिनट अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखें और खुद के साथ अच्छी बातें करें, अपने हार्ट चक्रा को अच्छी एनर्जी दें, ऊर्जा तो हम सब में है ना, तो उस अच्छी ऊर्जा को उधर लेके जाएंगे तो आपको, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, उनको भी, आईसीयू में जो लोग हैं वो भी अच्छे से रिकवर कर पाएंगे अगर अपने हार्ट चक्रा पे काम करते हैं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, जब हमारी खुशी लोगों पे डिपेंडेंट हो जाती है, जब हम सोचते हैं अगर मेरा बेटा मुझे ये कर देगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, जब हम सोचते हैं आज दुकान पे इतने ग्राहक आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब हम सोचते हैं एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आ जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, तो अपनी खुशी को किसी मटीरियल चीज़ पर डिपेंड मत करो, होने दो। आप खुशी को अपने अंदर रखो। भगवद्गीता में भी कहा गया है जो खुशी है, खुश और जो गम है, ये आना ही जाना है, अच्छा और बुरा टाइम सबका आएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी और बुरी चीज़ों से अपने आप को इतना इम्पैक्ट नहीं होने दोगे तो आपको एक खुशी जो है वो परमानेंट रूप में रह जाती है, आपको जल्दी बुरा नहीं लगता। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है, खुद को एक्सप्रेस करना है। किस तरह से, जैसे कई लोग लिख के एक्सप्रेस करते हैं, कई लोग गा के एक्सप्रेस करते हैं, कई लोग पेंटिंग के थ्रू, कुकिंग के थ्रू, बट वो लोगों के लिए नहीं करना, पैसे कमाने के लिए नहीं, मैं कह रही खुद के लिए कह रही हूँ। अगर किसी को गाना गाने का शौक है तो ज़रूरी नहीं आप भी लता मंगेशकर जी की तरह ही गाते हों, आप अगर थोड़ा सा भी अच्छा गा लेते हैं या आपको शौक है तो जाइए अपने टेरेस पे, अपने छत पे और 5 मिनट अपने लिए गाना गाइए, अपनी सोल को खुश करने के लिए गाना गाइए। आपको जितनी खुशी मिलेगी ना आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। अगर लिखने का शौक है तो अपने बारे में लिखिए, अपनी अच्छी बातों को लिखिए, अपनी फीलिंग्स को लिखिए। अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो अपने आप को एक्सप्रेस करिए पेंटिंग के थ्रू। खाना बनाने का शौक है तो सिर्फ लोगों को खाना नहीं खिलाना, अपने लिए एक चीज़ बनानी है रोज की, वो खुशी है वो परमानेंट रहेगी कि आपने अपने लिए कुछ किया है। आपने किसी की शक्ल नहीं देखी, वो आएगा तो मेरे लिए चाय बनाएगा, आपने खुद अपने लिए काम किया है।
अगर आपको बातें करने का शौक है, अब बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं हमें बातें करने का शौक है बट हमारे पास कोई बातें सुनने के लिए नहीं है, अक्सर बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है, तो आपको क्या करना है? अब देखो, नेचर है यानी कि पेड़ पौधे पक्षी ये सबके होते हैं, तो अगर आपके पास कोई भी नहीं है बातें करने के लिए, आप एक पेड़ को पकड़िए, उसको हग करिए, उससे बातें करिए, एक पौधे से बातें करिए, आप आसपास जो पंछी आते हैं, बर्ड्स आते हैं, उनसे बातें करिए, उनको अपने दिल की बातें बनाइए बताइए, और वो जो दोस्त बनेंगे ना वो इंसानों से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। बहुत लोगों के घर में डॉग्स होते हैं, आप उनको अपना फ्रेंड्स बनाइए, उनसे बातें करिए, बट अपने लिए कुछ कीजिए, वो लिख के हो, बोल के हो, पढ़ के हो, बुक्स पढ़ के हो, बट अपनी एक हॉबी को जो सबकी होती है उसको टाइम ज़रूर दीजिए, वो खुशी परमानेंट रूप में आपके साथ जुड़ जाएगी। और तीसरा कारण, हम खुश क्यों नहीं होते? जब हम पास्ट की चिंताओं में ज़्यादा ग्रस्त हो जाते हैं या फ्यूचर की चिंता लगाते हैं तब भी हम खुश नहीं रह पाते, तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट में जीना है। अब कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, प्रेजेंट में जीना सबसे मुश्किल है। तो आप ज़िंदगी में एक बड़ी पिक्चर को देखिए, आज मेरे साथ चलो पीछे चलो, रिवाइंड करो अपनी लाइफ को, और देखो जो लाइफ में आपके इतने मुश्किल टाइम आए जब आपको लगा अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, तो लाइफ ख़त्म नहीं हुई ना, लाइफ उसके बाद तब भी चल पड़ी थी। इसी तरह से जो टाइम है वो रुकता नहीं है, बुरा है या अच्छा है उसने निकल जाना है। हम फ्यूचर को सोच के यार पता नहीं वो मेरे साथ कैसा होगा, और वो चीज़ अच्छे से हो भी जाती है बट अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। तो बड़ी पिक्चर लाइफ में देखो, ये देखे कि पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है वो सब निकल गया है, आज 20 साल बाद ये टाइम भी निकल जाएगा, बट इसको चिंताओं में निकालोगे तो अच्छे से नहीं निकलेगा। इसलिए प्रेजेंट को जियो, बिग पिक्चर देख के जियो, और नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से कट करके जियो। जब भी परेशानी का टाइम आए या डाउट आए उसको पॉजिटिव थॉट से कट कर लो, जैसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उससे देखो मैंने इससे कुछ ना कुछ सीखा। हर बुरा टाइम आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है या मजबूत बना के जाता है या बुरे या अच्छे लोगों की परख करा के जाता है, तो उस अगर कोई बुरा टाइम याद आता है उसमें लर्निंग को याद करो। फ्यूचर में आता है तो खुद को कॉन्फिडेंस दो। इन छोटे छोटे चीज़ों को अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ में जो खुशी है वो परमानेंट रूप पे हो जाएगी। ज़रूर इनको करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।